वॉल पैनलिंग एंड वॉल क्लैडिंग की प्लानिंग इस तरीके से करें कि हमारा ड्राइंग रूम और हमारे घर का जो लुक है वो काफ़ी इन्हांस हो और बहुत अच्छा लुक क्रिएट करे। तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, हम इनके बारे में जानेंगे। हम जैसे कि आप लोगों को पता है, जो वॉल्स को डेकोर करने के लिए मटेरियल लेते हैं उसमें आता है, सबसे पहले हम बात करते हैं वॉलपेपर की, उसके बाद टेक्सचर पेंट है, वॉल क्लैडिंग्स हैं। क्लैडिंग्स में आजकल स्टोन क्लैडिंग्स आप ले सकते हैं या फिर वुड और मिरर या फिर मिक्स एंड मैच करके कॉम्बिनेशन बना करके हम वॉल को डेकोर कर सकते हैं। ये जो हम आइडिया दे रहे हैं ये आप अपने ड्राइंग रूम, बेडरूम और लिविंग रूम, फॉयर एरिया, स्टेयर डुप्लेक्स एरिया, किसी भी एरिया में इसको आप वॉल लुक दे करके हाईलाइट कर सकते हैं। बट बेसिकली ये हमें डिसाइड करना होगा कि हमें किस रूम को कैसा लुक देना है और किस रूम में कितना हैवी डिज़ाइन क्रिएट करना है और कितना लाइट डिज़ाइन क्रिएट करना है और कहाँ पर हमें ये डिज़ाइन देना है। जैसे कि अगर मैं ड्राइंग रूम की बात करूँ तो ड्राइंग रूम में हमें हमेशा एक वॉल को ही हाईलाइट करना चाहिए ताकि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो। सो दैट उससे क्या होता है कि एक हमारा जो रूम है हमने उसको बहुत हाईलाइटेड व्यू दे दिया, वो होनी चाहिए हमेशा फ्रंट वॉल। जब हम एंटर करते हैं रूम में ही जो सामने की तरफ पहली वॉल दिखती है हमें उसी को हाईलाइट करना चाहिए। अब बात हो रही है बेडरूम डिज़ाइन के बारे में, जिसमें डिसाइड करने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे पास बेड किस लोकेशन पर है और बेड के बैक वॉल पर हमने क्या प्लेस किया है। जैसा कि अगर हम लोग बेड का हेडबोर्ड बहुत लो हाइट रखते हैं तो हमारे पास वॉल का काफ़ी एरिया बच जाता है, उस पर उससे ऊपर ऊपर के पोर्शन को हमें हाईलाइट करना होता है। उसमें हम छोटी सी मोल्डिंग्स क्रिएट करवा सकते हैं, कोई स्पेस क्रिएट करके स्मॉल सा उसमें वॉलपेपर लगवा सकते हैं, म्यूरल्स प्लेस कर सकते हैं या फिर वॉल मोल्डिंग्स काफ़ी अच्छी आजकल चल रही हैं उनको प्लेस करा के उसके अंदर हम लोग वॉलपेपर क्रिएट करवा सकते हैं या टेक्सचर पेंट लगवा सकते हैं या फिर हम उसमें एक बहुत ही प्यारी सी कोई पेंटिंग प्लेस कर सकते हैं जिसमें राधा कृष्ण जी काफ़ी अच्छा माना जाता है बेडरूम में लगे हों, तो वो हम प्लेस करवा सकते हैं। या फिर हमारे पास ऑप्शन हो सकता है कि हम वहाँ पे कोई भी पेंटिंग, एक जो हमें पसंद हुआ हम वो पेंटिंग लगा लें, अपना फ़ोटो फ्रेम लगा लें, अपनी फैमिली के फ़ोटो फ्रेम्स लगा लें, अपनी फैमिली के फ़ोटोज़ लगा लें, वो हम वहाँ पर प्लेस करवा सकते हैं। सो उससे क्या होता है कि एक वही फॉर्मूला है सेम कि हम लोगों ने जो ड्राइंग रूम में यूज़ किया कि हमें अपनी एक वॉल को जो एंटर करते ही पड़ती है उसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन लुक देना होता है। उसके लिए बेटर ऑप्शन यही है कि हम लोग रूम में एंटर करते ही जो वॉल हमारी पड़ती है उसी को हाईलाइट करें। और रूम के अंदर आप जनरली देखेंगे कि फोर वॉल्स में एक वॉल पर तो दरवाजे या विंडोज़ आ जाती हैं जिसकी वजह से वो वॉल हमारी कवर अप हो जाती है, फिर एक वॉल पर हमारी वार्डरोब आ जाएंगी, एक वॉल पे हमें टीवी कैबिनेट लेना होगा, हमारे पास बचती एक ही वॉल है। सो इसी वॉल को हमें हाईलाइट करना होता है। अब अगर हम बात करें कि ठीक है हम लोगों ने एक वॉल अपनी डिज़ाइन कर ली, वार्डरोब का डिज़ाइन भी आ गया, फिर एक वॉल बची हमारे पास टीवी कैबिनेट के लिए, यहाँ पर भी डिपेंड करेगा हमारे पास एरिया कितना है। जैसे कई बार होता है हमारे पास वॉल काफ़ी बड़ी है और स्पेस हमारे पास छोटा टीवी कैबिनेट के लिए हमने प्लेस कर लिया और उसके बाद साइडों में भी स्पेस बच गया, वहाँ पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें उस वॉल को, उस एरिया को वॉल के किस तरीके से हाईलाइट करना है। इसके लिए हमारे पास ऑप्शन हो सकते हैं कि हम बिग प्लांटर्स वहाँ पे प्लेस करें बोथ साइड ऑफ टीवी कैबिनेट, या फिर वहाँ पे कुछ पेंटिंग्स लगा दें, सामने की तरफ हमने अदर डिज़ाइन बनवाया है और इस वॉल पर हमने पेंटिंग्स लगवा दी हैं जो हमारी वर्टिकली हो सकती हैं पेंटिंग्स। एक और वॉल हमारे पास बच जाती है जिस पर मे बी हमारे पास दरवाजे ना हो और वो प्लेन वॉल हो हमारे पास, उसको भी हमें हाईलाइट करना होगा। तो हम पूरे हमें हमेशा जो प्लानिंग करनी होती है वो ज़्यादा वॉल्स को कवर अप करके नहीं करनी चाहिए। इट मीन्स ये नहीं कि हमारे हमें डिज़ाइन करना है, हमें डेकोर करना है तो हम मैक्सिमम वॉल्स को भरते चले जाएं, जितना भी स्पेस है भरना नहीं है, सिंपल एलिगेंट लुक देना है। उसके लिए बैक के हेडबोर्ड वाली वॉल को हमेशा हाईलाइट करें, टीवी कैबिनेट वाली वॉल तो हाईलाइट हो ही जाती है बिकॉज वहाँ टीवी कैबिनेट बन जाता है और सब डेकोरेटिव्स हम वहाँ पे प्लेस कर देते हैं। फिर एक तरफ वार्डरोब आ जाती है अगर वार्डरोब एरिया है वहाँ पे, नहीं है तो जो वॉल्स बची हैं उसको ही हमें मिनिमाइज़ डेकोरेटिव्स या फिर पेंटिंग्स या फिर कोई भी वॉल डेकोर प्लेस करके करते हुए उसे मिनिमाइज़ डेकोरेशन के साथ में हमें अपने रूम को, रूम के पूरे इंटीरियर को माइनस करते हुए ही प्लेसिंग करनी चाहिए। अब हमने रूम की बात कर ली, बेडरूम की बात कर ली, किचन वॉल की बात करें। किचन में वैसे ज़्यादा कुछ हम लोगों को नहीं करना चाहिए, दो तीन ऑप्शन किचन में हो सकते हैं वॉल्स के लिए। एक तो सबसे पहले पुराना कॉन्सेप्ट है जो हम टाइल लगाते आ रहे हैं,
वो टाइल तो हम सेंट्रल एरिया में लगाते ही है। अभी नए कॉन्सेप्ट में हम लोग स्टोन भी लगा सकते हैं, जो हम ग्रेनाइट लगाते आ रहे थे वो ग्रेनाइट भी हम प्लेस कर सकते हैं। एक और क्वार्ट्स एंड कोरियन आ रहे हैं, जो हम क्या करते हैं, जो काउंटर टॉप पे लेते हैं वही हम लोग हाइट वाले एरिया में, जो हमारा दोनों कैबिनेट के बीच का एरिया बचता है, उसमें भी हम उसको ले सकते हैं। और एक ऑप्शन है हमारे पास होता है, वो है ग्लास का। ग्लास एज एन लेकर्ड ग्लास आते हैं हमारे पास में, कलर्ड ग्लासेस जो कि टफंड होते हैं, उनको भी हम प्लेस कर सकते हैं और वो बहुत ही प्यारा लुक देते हैं। मैं कहीं किचन में इनको करवा चुकी हूँ और मेरे क्लाइंट्स हमेशा जब भी मैं लगवाती हूँ, कॉस्टली तो थोड़ा पड़ता है लेकिन वो इतने खुश होते हैं उसको देख करके, बिकॉज उनके थीम के साथ एक प्लेन लुक आ जाता है, बहुत ही प्यारा सा लुक आ जाता है। तो वो भी आप ऑप्शन ले सकते हैं अपने सेंट्रल एरिया में कराने के लिए। यहाँ आप काउंटर टॉप पर आप जो भी लगाना चाहते हैं, ग्रेनाइट, कोरियन, क्वार्ट्स, कुछ भी लगाएं, बट सेंट्रल एरिया में आप लोग ग्लास प्लेस करवा सकते हैं, जो हमारी किचन को काफ़ी प्यारा लुक देता है। ये हमारे तीन एरिया जो हो गए पर्टिकुलरली हमने प्लेस कर दिए। अब वॉल क्लैडिंग या फिर वॉल डेकोर में हमारे पास तीसरा ऑप्शन हो गया। मैं चौथा ऑप्शन कंसीडर करूँगी बाथरूम्स को सबसे पहले, उसके बाद मैं अदर एरियाज में आती हूँ। बाथरूम्स के लिए हमारे पास जो ऑप्शन होते हैं, जनरली आजकल सब लोग टाइल लगाना पसंद करते हैं, बिकॉज टाइल में भी स्टोन का काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वैसे तो हमारे पास इटालियन स्टोन, इटालियन पत्थर या फिर कुछ भी हम ऑप्शन ले सकते हैं, बट जो टाइल हैं उनमें इतना प्यारा लुक आ रहा है, जो आप एक वॉल को हाईलाइट कर लिया वही कॉन्सेप्ट सेम। इसमें आपको जो हाईलाइटर वॉल होती हैं या हाइलाइटर्स लेने होते हैं, वो मैक्सिमम आजकल यही कॉन्सेप्ट चल रहा है कि दो वॉल, जनरली दो वॉल हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं टाइल में, अच्छे टेक्सचर वाले टाइल्स लेकर के। एक तो आपके शावर एरिया में आप लगा लीजिए, एक आप अगर लगाना ही चाहते हैं तो थोड़ा सा हाईलाइटर आप अपने बेसिन वाले एरिया में लगा सकते हैं, दैट्स इट। उसी से काफ़ी इन्हांस हो जाता है आपके बाथरूम का लुक। उसके बाद आता है, अगर आपने बाथरूम इन्हांस कर लिया तो बाथरूम के बाद दूसरा ऑप्शन आ जाता है स्टोन का या फिर इटालियन मार्बल का, इटालियन स्टोन्स का। उसमें थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, बट जिनको क्लासी लुक चाहिए वो लोग लगवाते हैं, और जिनको मेंटेनेंस फ्री, हेडेक फ्री चाहिए, इसमें थोड़ा सा पॉलिशिंग का खर्चा भी रहता है। वो तो ऑब्वियसली टाइल लगाया और छुट्टी हो गई, फिर वो अगर ब्रेक हो जाती है तभी हमारी टेंशन होती है, अदरवाइज़ नहीं होती। सो गाइज, स्टोन में भी काफ़ी ऑप्शन है, स्टोन में भी हम ये चीज़ें प्ले कर सकते हैं। स्टोन के अंदर ज़्यादा आपको टेक्सचर्ड टाइल वाला ऑप्शन तो नहीं मिलेगा जैसे वहाँ मिल जाता है, बट स्टोन के अंदर आपको डिफरेंट कलर्स के स्टोन मिल सकते हैं, या उसके अंदर कटिंग्स में आप मोल्डिंग्स लेकर के या कटिंग्स लेकर के पत्थर में, या फिर थोड़े ग्रुप्स बना करके उस तरीके से प्लेस कर सकते हैं कि उसको लुक को आप एनहांस कर सकते हैं। सो गाइज, मैंने आपको 2-3 4 ऑप्शंस दे दिए कि किस तरीके से आप लोग प्लेस कर सकते हैं, या फिर आपके पास में डुप्लेक्स हो तब हमारे पास एक अच्छी बड़ी वॉल निकल कर आती है, जो होती है स्टेयर्स के साथ में जाती हुई। उन वॉल्स को कैसे डेकोर करें, उनको डेकोर के लिए हमें पूरे घर का एक इंटीरियर को माइंड में रखते हुए करना होगा प्लान। जैसा कि हमने ड्राइंग रूम किस तरीके से डिज़ाइन किया है, बेडरूम में किस तरीके का इंटीरियर लिया है, और आगे हम किस तरीके की प्लेसिंग करवाना चाहते हैं। सो गाइज, इसके लिए बेटर ऑप्शन मैं आपको यही बताऊँगी कि आप वॉल्स को डेकोर करते समय सबसे पहले देखें अपने घर का इंटीरियर कैसा लिया हुआ है, उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे हम प्लेस कर सकते हैं। बहुत इनको भी आप हैवी ना करें, हैवी लुक क्रिएट करके घर में हैवीनेस आ जाती है। हम जितना मिनिमल डिज़ाइन को लगाते हुए चलेंगे वो अच्छा लगता है, सूदिंग लगता है। इसके अंदर जो ऑप्शन हो सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन है अगर टाइल लगवाएं आप, उसमें डिफरेंट कलर का आपने टेक्सचर टाइल लगवा दिया, पत्थर लगवा दिया, पत्थर के साथ में मेटल की स्ट्रिप्स लगवा दी, या फिर पत्थर के साथ में आपने ग्लास लगवा दिया कहीं पर प्लेस करवा। सो गाइस, ये मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया वॉल डेकोर और वॉल क्लैडिंग के बारे में। आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें।